अशोक लाहोटी। आगामी विधानसभा में किस उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं आप? रविंद्र शर्मा जी। अशोक लाहोटी को। रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी शर्मा के साथ। रविंद्र जी शर्मा है। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा सांगानेर। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी। रविंद्र शर्मा। रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी शर्मा। अशोक लाहोटी। अशोक लाहोटी। अशोक लाहोटी। पुष्पेंद्र भारद्वाज। मधु शर्मा। मधु शर्मा। मधु जी शर्मा। मधु शर्मा। मधु शर्मा। पुष्पेंद्र भारद्वाज। भवानी शंकर जी। भवानी शंकर। भवानी शंकर माली। भवानी शंकर। भवानी शंकर। और यहाँ पे क्या तीन समस्याएं हैं सबसे ज्यादा? यहाँ पे खेल मैदान की और पानी की और सफाई की समस्या है। पानी की बहुत समस्या पानी है। पानी की समस्या एक सबसे ज्यादा। पानी की खेल मैदान नहीं है हमारे आसपास। पानी की समस्या नहीं है। कचरा ज्यादा है, साफ नहीं होता है। बिजली की, पानी की, लाइट और जीडी पट्टा न मिलने की वजह से वहाँ पे पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, सिक्योरिटी पानी की समस्या है, रोड बनी नहीं है बिल्कुल, ट्रैफिक का है, पानी की अपराध, सड़कों साफ सफाई, पानी की, पानी बिजली रोड, रोड लाइट, सीवर लाइन, पानी स्कूल रोडों की साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट, पेयजल, बिजली, पानी, सिविल लाइन, पानी, सिविल लाइन की लाइट, सड़कों की समस्या, पानी की समस्या, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, रोड, पानी, रोड, पानी, सीवरेज, पानी और रोड, रोड, रोड लाइट, रोड नाली, पानी, रोड लाइट। नमस्कार, दावेदारों की आवाज सीधे जनता तक में आप सभी का स्वागत है। आज इसी कड़ी में आज हमारे साथ भवानी शंकर माली जी, जो कि दावेदार है सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है भवानी शंकर जी। आज आप हमें बताएं कि आप अपनी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहे हैं, अगर आपको टिकट दे भी जाती पार्टी देती है और आप जीत भी जाते हैं, तो आने वाले 5 साल बाद कैसे हम लोग उसमें बदलाव देखेंगे, आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? विकास की गति तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को आने के बाद में हुई है, और अब अगर विधायक हमारा यहाँ का होगा, मैं खुद होऊंगा, तो जनता से बात करेंगे, जनता क्या चाहती है, जो जनता कहेगी वो मेरी पार्टी। आपके अनुसार सांगानेर विधानसभा में ऐसे क्या 3 बड़े मुद्दे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, मुद्दे 3 नहीं, कई हो सकते हैं। जहां खास करके मुद्दे हैं कि एक तो जो टाउन है, टाउन के अंदर जो एक हमारा इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को, वस्त्र इंडस्ट्री है जो कि पूरे देश के अंदर विख्यात है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। पिछली बार से आप 20 साल से लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन उन व्यापारियों कोई सुध नहीं ली, उनके लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे, व्यापारी क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है, तालमेल बैठक है उसके लिए उनका भी निस्तारण करेंगे। इसके अलावा और भी समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर लाइन की समस्या हो, ये द्रवती नदी है, उसके बाद में आगे शिकारपुरा से जो नाला जा रहा है उसके बारे में पॉलिसी बनाएंगे, कहें तो जो जनता की मांग होगी उस मांग को आगे बढ़ाएंगे। कई दावेदार आएंगे सामने, आप उन सब दावेदारों में से अपने आप को अलग कैसे मानते हैं कि मैं इन सारे दावेदारों से अलग हूँ? देखिए, मैं अलग नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। अपनी बात रखना पार्टी के सामने सबका अधिकार है। जैसे आज हमारे पर्यवेक्षक मोना जी आई थी, मोना जी के सामने हमारे करीब 25 दावेदार हैं, सबने बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी, जीत के समीकरण बताए। और मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की राजधानी है ये, और पूरे राजस्थान के अंदर हम लगभग ओबीसी की बात करें तो 56% के आसपास ओबीसी है, एससी का कोटा है, जनरल और ओबीसी, एससी और एसटी, हम पार्टी स्तर पे सबका कॉम्बिनेशन बना के और सभी जातियों को साधेंगे तो निश्चित तौर पे हम 8 विधानसभा भी फतेह कर लेंगे। आपने इतने सालों से कार्यकर्ता हैं, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 3 क्या उत्तम कार्य किए हैं जिसके बारे में आप बताएं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र नहीं, एक्चुअली मैं तो जयपुर का जिलाध्यक्ष रहा, उस वक्त में भी मैंने पूरे जयपुर में वृक्षारोपण अभियान चलाया था। जब 2017 में हमारी सरकार नहीं थी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, उनका आदेश था कि वृक्षारोपण करें, उनका आदेश पहले आया था लेकिन बाद में आया था, लेकिन मैंने तो पहले ही वृक्षारोपण चालू कर दिया। विधानसभा के अलावा पूरे जयपुर शहर के अंदर मैंने सघन वृक्षारोपण अभियान, उस वक्त में हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर महेश जोशी जो अभी कैबिनेट मंत्री है, उनके कर कमलों के द्वारा गोपालपुरा गवर्नमेंट स्कूल से हमने स्टार्ट किया था। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पार्क हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, वहाँ पर हमने फलों के पौधे लगाए थे, वो आज फल दे रहे हैं। एक तो मेन काम ये था। उसके अलावा जैसे जैसे जनता की कोई बात आई, मांग आई, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया। वो अगर मैं एक एक चीज़ गिनाऊँ तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, कितने काम हुए हैं वो कार्यकर्ता के रूप में हमने करवाए। इतने प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे?
देखिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ता की परिभाषा नहीं है कि निर्दलीय लड़े। हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी भी सूरत में हम सांगानेर विधानसभा पे जो कलंक लगा हुआ है, जब से ये परिसीमन हुआ 2008 के अंदर, 2008 के बाद में हम पहले भी नहीं जीते, उसके बाद भी नहीं जीत रहे, तो चार बार से कंटिन्यू, अभी मैंने पहले कहा कि चार बार से कंटिन्यू हम हार रहे हैं, और हार का अंतर भी 35,000 से लेकर 65,000 के बीच का है। तो हमारा सबका, मैं तो मेरी बात नहीं, मैं सब जो दावेदार है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारी आला कमान जो फैसला करे उस पर हमें अडिग होके कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए काम करना चाहिए। तो मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए भवानी शंकर खुद प्रत्याशी है और मैदान में उसी रूप से काम करेगा कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ। इसी कड़ी में एक हमारा रैपिड राउंड भी है, मैं एक वर्ड कहूंगा तो उसके बारे में आप कहना, राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे? देखो, राहुल गांधी जी के लिए कहने की जरूरत ही नहीं है, राहुल गांधी तो इस देश के राजकुमार है। भारत हमारा देश है। नरेंद्र मोदी जी तो भाई विश्व गुरु कहलाते हैं अपने आप में है, वो है नहीं। वोटर तो बहुत स्मार्ट है, सब समझते हैं। विकास इसी में विकास भी आ रहा है, इसी में विकास भी आ रहा है, जीडीपी भी इसी में आ रही है और रुपए का अवमूल्यन भी इसी में आ रहा है। 62 रुपए से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये मुद्दे बहुत मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे झगड़े फसाद करवा के और आप डाइवर्ट कर रहे हो लोगों को, ये देश के लिए खतरा है। किसान को मजबूत करना कांग्रेस की हमेशा नीति और रीति रही है। ये थी हमारी खास बातचीत भवानी शंकर माने जी से। भवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो इस कड़ी में जुड़े आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगामी विधानसभा में किस उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं आप? रविंद्र शर्मा जी, अशोक लाहोटी को। रविंद्र शर्मा जी।